हिंदी खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की फिल्म ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा 11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है। इस फिल्म को लेकर लोगों में तो एक्साइटमेंट दिखाई दे ही रही है, वहीं बॉलीवुड के काफी सारे स्टार्स भी अक्षय की इस फिल्म को जमकर प्रमोट कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में वरुण और रणबीर ने सोशल मीडिया पर कुछ फनी वीडियो डाली थी, जिसमें वो ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा का जमकर प्रमोशन कर रहे थे। वहीं अब सिद्धार्थ ने अक्षय के साथ ट्विटर पर एक वीडियो डाली है। इस वीडियो में अक्षय कुमार सिद्धार्थ से ये कहते दिख रहे हैं कि उन्हें टर्की जाना है। इस वीडियो में इन दोनों की बातें सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। शॉपकीपर? हाँ जी बहन जी। वॉशरूम है? मशरूम? रेस्टरूम? क्या? टॉयलेट? क्या चाहिए? टट्टी जाना है। जहाँ एक तरफ ये सब फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं मनीष कौल भला किसी से कम थोड़ी है। उन्होंने भी अपने ही अंदाज में इस फिल्म को सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट किया है। मनीष ने भी एक फनी वीडियो डाला है, जिसमें वो अक्षय की ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा को जमकर प्रमोट कर रहे हैं। मनीष तुम भी? अरे नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, मैं कुछ और करता हूं। अरे खुले में शौच? अरे नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अरे कमाल कर रहे हैं, मैं तो पौधों को पानी दे रहा हूँ, खुले में शौच? यार अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है टॉयलेट एक प्रेम कथा 11 अगस्त को, वो खुद कह रहे हैं खुले में शौच नहीं होना चाहिए। मैं कैसे कर सकता हूँ यार, पौधे को पानी दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग जरूर देखें टॉयलेट एक प्रेम कथा ऑन 11 अगस्त। बता दें कि ये फिल्म देश में स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए बनाई गई है। इस फिल्म में अक्षय के साथ भूमि नजर आने वाली है। ये पहली बार है जब ये दोनों बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म से ट्रेंड एनालिसिस को भी काफी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी। खैर ये तो 11 अगस्त को पता चल ही जाएगा कि अक्षय की ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा लोगों पर अपना जादू चला पाती है या नहीं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।